नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्दु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए ने आज रिपोर्ट कार्ड जारी किया, घटक दलों के नेताओं ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सैंथिल कुमार और बक्सर के अपर समाहर्ता चंद्रशेखर झा को चुनाव कार्य से हटाया और 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पर्चे दाखिल करने का काम आज हुआ समाप्त। नामांकन पत्रों की कल की जाएगी जांच। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। एनडीए के नेताओं ने आज संयुक्त रूप से गठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस रिपोर्ट कार्ड में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों और सफलताओं का उल्लेख है। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, पार्टी नेता मंगल पांडेय, जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के अलावा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी उपस्थित थे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए की सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने बिहार में स्कूली बच्चियों की पढ़ाई और दाखिले की दर बढ़ाने के लिए साइकिल योजना का उल्लेख किया। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास को गति देने के लिए गांवों को तेज गति वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की आलोचना करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि राजद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड सभी जानते हैं, इसलिए राजद पार्टी के बैनर और पोस्टर पर पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तस्वीर छुपाने से बिहार के लोग पिछली सरकार के कार्यकाल को नहीं भूल सकते हैं। लोगों के दिमाग में अपहरण, लूट और आपराधिक घटनाओं की याद अब भी ताजा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज पटना में संवाददाताओं से कहा कि श्री मोदी 23 अक्टूबर को गया में रैली को संबोधित करने के बाद उसी दिन सासाराम और भागलपुर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना, 1 नवम्बर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर तथा 3 नवम्बर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री के साथ राज्य में आयोजित रैलियों में भाग लेंगे। श्री फडणवीस ने कहा कि इन रैलियों के दौरान निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जिस सरकार ने कुल 12 रैलियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, इसमें नियोजन ये किया है, आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैलियां करनी है और जो ग्राउंड है इसको प्रशासन ने संख्या का नियमन किया है, किस ग्राउंड पर कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं, जो निर्देश प्रशासन का है उसी के अनुरूप हम लोग वहां पर बुलाएंगे। 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा, जदयू और वाम दलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बांका में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अगर विकास चाहिए तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने नवादा में भी एक चुनावी सभा में कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय बिहार सरकार ने गरीबों की मदद की है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया जिले के इमामगंज और औरंगाबाद जिले के ओबरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो काम करते हैं उसकी बात पूरे विश्व में फैलती है। श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार को एक ऊंचा स्थान दिलाया है और राज्य को फिर से उसी स्थान पर पहुंचाएंगे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी नई सोच रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के लिए काम करेगी।
बाद में श्री यादव ने कहलगांव, शाहपुरा और बड़हरा में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। अरवल जिले के गांधी मैदान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से नई सरकार बनाने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 23 अक्टूबर से प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। चुनाव आयोग ने कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सेंथिल कुमार को उनके पद से हटा दिया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में बक्सर के अपर समाहर्ता चंद्रशेखर झा को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज समाप्त हो गया। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी, जबकि प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस चरण के तहत 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में अब तक 1062 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जबकि तीसरे चरण के लिए अब तक 63 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव में 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इधर कांग्रेस नेता और सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन भरा। सीतामढ़ी जिले के रुंडी सैदपुर से लोजपा की गुड्डू चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नामांकन का पर्चा भरा है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ राय और दीघा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा सेक्युलर के अनिल कुमार पासवान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 4 और नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि निकाले गए नेताओं में राजगीर के वर्तमान विधायक रवि ज्योति कुमार, पूर्व विधायक रामचंद्र सदा, लल्लन भुइयां और कैमूर के संगठन प्रभारी राजीव रंजन उर्फ राजू गुप्ता शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 19 नेताओं को निकाला जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 75 रूपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करते हुए यह बात कही। एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल की सुविधा, इंद्रधनुष मिशन के तहत 11 टीके की व्यवस्था, बालिकाओं के लिए 1 रूपये में सैनिटरी पैड तथा शिक्षा पर ध्यान दिए जाने जैसे कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 45 किस्म के नए बीज उपलब्ध कराए। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2500 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी 100 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में चिराग पासवान ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने इस चरण में 2 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दोहराया है कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, वह पीएम मोदी के साथ हैं। पार्टी ने गोविंदगंज से राजू तिवारी, कुचायकोट से रवि पांडे, वैशाली से अजय कुमार कुशवाहा, नालंदा से रामकेश्वर प्रसाद और मांझी से सौरभ कुमार पांडे को टिकट दिया है। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और यह 94.24% हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना के बड़ी संख्या में नमूनों की जांच के बाद बिहार में ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि रोजाना औसतन 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 88,94,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस समय 10,649 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,90,256 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य के विभिन्न भागों में कोरोना से कुल 981 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 87.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 64,53,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन में लगभग 63,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 895 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,12,161 हो गई है। भारत में मृत्यु दर 1.52% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर SVS देव ने कहा है कि पिछले 2 महीनों के दौरान हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कोरोना वायरस से स्वयं को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर देव ने कहा कि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अभी त्योहार का समय आ रहा है और ठंड का समय भी आ रहा है। हम सबको थोड़ा ज्यादा सावधानी लेना होगा और मैं सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि 3 चीजें आप जरूर पालन करिए। एक तो अपना मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क या एक साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं। हाथ की सफाई जरूर रखिएगा, या सैनिटाइजर से या साफ पानी से, साबुन से आप सफाई रखिएगा। और भीड़ भाड़ इलाके में जाना से बचिए, और जब भी जाएंगे कम से कम 2 गज की दूर आप रखना आवश्यक है। ये तीनों आप अगर पालन करेंगे 90% से ज्यादा आप कोरोना से बचने का संभावना है। प्रधानमंत्री की अपील पर लोग कोरोना से बचाव के लिए 3 उपायों को अमल में ला रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र ने लोगों से आगामी पर्व त्योहारों के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बंधुवर, आज संपूर्ण राष्ट्र कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है। अभी भी हम पूर्ण सुरक्षित नहीं हैं और इस बीच हमें समस्त दैनिक कार्यों का निष्पादन भी करना है। अतः कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यथासंभव बारंबार साबुन से हाथ धोते रहें, हम सैनिटाइज करते रहें। हम स्वस्थ, देश स्वस्थ। पंचायती राज मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का देर रात कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद पिछले 1 सप्ताह से वे पटना एम्स में भर्ती थे। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने कपिल देव कामत के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में 190 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें कटिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रामप्रकाश महतो पर भी मामला दर्ज किया गया है। आयोग के अनुसार 1,129 हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि 2,47,256 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है। राज्य में 1,632 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं अब तक लगभग 11 करोड़ रुपए के साथ 70 लाख नेपाली रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 956 किलोग्राम गांजा और 150 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से एसटीएफ ने एक नक्सली दीपक उरांव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए ने आज रिपोर्ट कार्ड जारी किया। घटक दलों के नेताओं ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सेंथिल कुमार और बक्सर के अपर समाहर्ता चंद्रशेखर झा को चुनाव कार्य से हटाया और 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पर्चे दाखिल करने का काम आज हुआ समाप्त। नामांकन पत्रों की कल की जाएगी जांच। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।